हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने IVF करवाया, जिससे मुझे ट्विन्स प्रेगनेंसी हुई, मेरे तो बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का, वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है, मुझे बहुत बार मैसेज आता है कि दीदी हम IVF करवाना चाहते हैं तो IVF में कितना टाइम लग जाता है, कि हमने ऑफिस से अगर लीव लेनी है तो हम कितनी देर के लिए, अगर हमें जैसे कोई जो होता है किसी दूसरे शहर में करवाने जाता है ना, तो हमें कितना प्रोसेस लगेगा, कितना टाइम इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, वो सब प्लीज़ हमें बताइएगा। कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको सिर्फ जो है 10-15 दिन लगेंगे या फिर 1-1.5 महीना लगेगा। तो देखिए, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। कभी कभी तो जो डॉक्टर्स होते हैं आपको क्लीन दिखाते हैं, क्लीन पिक्चर दिखाते हैं, बिल्कुल भाई ऐसे ऐसे होगा, इतना टाइम भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता है। लेकिन कुछ डॉक्टर होते हैं जो आपको कहते हैं, जिनको मतलब मैं यहाँ पे नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी एज ए पेशेंट हमें, जैसे हम अब पेशेंट ही हो जाते हैं, हमें पेशेंट ही बुलाया जाता है जब हम IVF करवाने जाते हैं, तो उनको इतना खुल के ना गाइड नहीं किया जाता। कई बार कह दिया जाता है कि नहीं नहीं बस आप 1-1.5 महीना लगेगा आपको, 10-15 दिन आपको इंजेक्शन में लगेगा, उसके बाद फटाफट से आपका दूसरे चौथे 5वें दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाएगा और आप फ्री हो जाओगे। देखिए, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि कैसे होता है। मेरे पास बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, कई बार फर्स्ट टाइम में ही जो है सक्सेसफुल हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है। तो नॉर्मल इसका प्रोसेस जरा आपको पता ही है कैसे होता है, कि आपको पीरियड के नेक्स्ट डे बुलाया जाएगा अगर आपका IVF फाइनल हो चुका है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो हो सकता है आपके बहुत सारे टेस्ट हों, है ना, आपके पहले ब्लड टेस्ट होने ही हैं, आपका AMH लेवल टेस्ट किया जाएगा, आपका अंदर ब्लड कितना है वो टेस्ट किया जाएगा, ऐसे करके आपके बहुत सारे ब्लड एक बार ब्लड ले लेंगे और बहुत सारे उसमें टेस्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर अगर आपको सजेस्ट किया जाता है, आपकी बॉडी देखी जाती है, आपके सोनोग्राफी की जाती है, अगर डॉक्टर को लगता है कि नहीं आपको IVF की ज़रूरत नहीं है, कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, उनको लगता है कि नहीं आपके हम IUI करते हैं, पहले IUI का प्रोसेस पहले एक बार करके देखते हैं कि क्या पता आपको IVF की ज़रूरत ना ही पड़े, तो वो भी आपको टाइम लेके चलना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ एग्री करते हो उस चीज़ के साथ, तो पहले आपका IUI किया जाता है, ठीक है। अगर आप नहीं, सीधा IVF पे ही हम बात कर लेते, अगर आप IVF करवाते हो उसमें भी कई बार आपकी यूट्रस देखी जाती है, जब आपका TVS किया जाता है यानी कि ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी की जाती है, उसमें कई बार ऐसा आ जाता है कि आपकी यूट्रस में प्रॉब्लम है या फिर है ना उसमें कुछ झाले से हैं या कुछ ऐसे हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि हमें लेप्रोस्कोपी करनी पड़ेगी या हिस्ट्रोस्कोपी करनी पड़ेगी, जिससे हम आपकी यूट्रस को थोड़ा ठीक कर सकें। तो इस प्रोसेस में भी आपको IVF से ये प्रोसेस भी आपका IVF से पहले किया जाता है ना, तो इसमें भी आपका थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। ये छोटा सा एक ऑपरेशन ही होता है जो कि OT में किया जाएगा, ऑब्वियसली ऑपरेशन है तो, है ना, तो इसमें आपका टाइम लग सकता है। अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है, आपका सीधा IVF आपका फाइनल कर दिया गया है, तो आपको पीरियड के सेकेंड डे बुलाया जाएगा, आपको इंजेक्शन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। वो इंजेक्शन जो होते हैं आपके, कुछ लोगों के 10 दिन लगते हैं, कुछ लोगों के 12 दिन लगते हैं ना, ऐसा लगेंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरा सीधा फाइनल कर दिया गया था, मेरा एक पहले टेस्ट हुआ था, मेरे यूट्रस में लाइनिंग का छोटा सा पीस लिया गया था, तो उसको भेज दिया गया था लैब में टेस्ट होने के लिए, कि मुझे कोई TB तो नहीं है, मुझे कोई HIV की प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे कोई कैंसर तो नहीं है, ट्यूमर देखा जाता है कि कोई ट्यूमर तो नहीं है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है, इसमें जो एक रिपोर्ट है वो 1.25 महीने से 1.5 महीने के बीच में आती है, तो वो प्रोसेस पहले आपका हो सकता है। जैसे मेरे बाकी कोई टेस्ट नहीं हुए हैं, ब्लड टेस्ट हुआ था, लेकिन ये वाला टेस्ट हुआ था तो सीधा ही मेरा भी IVF ऐसे स्टार्ट नहीं कर दिया गया था, पहले ये वाला टेस्ट हुआ था, है ना। फिर आपको जैसे मेरा सेकेंड डे से स्टार्ट कर दिया, जब भी हम प्लान करेंगे 10-15 इंजेक्शन लगे, उसके बाद कुछ लोगों को तीसरे दिन या 5वें दिन आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए बुलाया जाता है ना। अब आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए बुलाया जाएगा, आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको 10-15 दिन की रेस्ट मिलेगी आपका, उसके बाद जो है BTHCG का यानी कि ब्लड टेस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा, तो आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। तो वो बहुत लक्की हो आप कि आपका फर्स्ट टाइम में हो गया। तो कितना टाइम लगा,
इसको आप पहले अगर आपका 1.25 महीना 1.5 महीना लगा है ना वो वाले प्रोसेस में ब्लड टेस्ट में ऐसे वाले में, उसके बाद आपका 1 महीना और लगे यानी कि 2 महीने लग गए। अब बात आती है मेरे जैसे लोगों की जिनका बना बनाया काम ही बिगड़ गया। मुझे बुलाया गया एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए, मैं वहाँ पर लेट गई हूँ, सब कुछ हो चुका है, लेकिन मेरी डॉक्टर बहुत ऐसे वाले हैं कि वो एक एक चीज़ देखते हैं। उन्होंने देखा, उन्होंने कैथेटर डाल के देखा, उनको उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लड दिखाई दिया, उन्होंने मेरा उसी टाइम पे कैंसिल कर दिया। और मैं पूरी पोजीशन लेके बैठी हुई थी, एम्ब्रियो वहाँ से निकाले जा रहे थे लैब में से, क्योंकि बिल्कुल पीछे ही होती है लैब, जैसे यहाँ पे डॉक्टर बैठी है ना तो मेरी लैब बिल्कुल, ये जो दीवार है ये दीवार नहीं है, इसके पीछे लैब है, वहाँ से निकाल के बस मेरे अंदर इंसर्ट करनी है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, भगवान की मर्जी है, मेरा उस टाइम पे ब्लड दिखाई दिया और मेरा कैंसिल हो गया। तो मुझे भी था कि चलो अब फ्रीज कर लिया, तो डॉक्टर ने कहा कि चलो नेक्स्ट मंथ हम जब पीरियड आएंगे तब कर लेंगे, तो मुझे भी था कि कोई बात नहीं। लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम हो गई कि मेरी यूट्रस की लाइनिंग ही नहीं बने और उसके लिए मुझे 1.5 साल वेट करना पड़ा। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप उन चीज़ों से बचो। देखो जब भी हम, मैं भी ऐसी थी कि जब हम जाते हैं ना तो हमें लगता है कि नहीं बस हम गए और हमारा ऐसे करके 10-15 दिन में हमारा IVF हो जाएगा और बेबी हमारे हाथों में आ जाएगा, प्रेगनेंसी होगी बेबी हमारे हाथ में आ जाएगा। देखिए जब आप किसी भी प्रोसेस के लिए जाते हो तो आपको पूरा अपना टाइम देना होता है। मैंने भी इस चीज़ को पूरे 2 से 2.5 साल दिए हैं, तब जाके मुझे रिजल्ट मिला है। अब बहुत सारी लकी लड़कियां हैं, फर्स्ट टाइम में ही उनका सक्सेसफुल हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने माइंड को आप थोड़ा ऐसे रिलैक्स करके जाओ, ऐसी वीडियोस देख के जाओ, ऐसे एक्सपीरियंस लोगों के देख के जाओ जिससे आप पहले ही प्रिपेयर रहो। उसके बाद आप ना ही डॉक्टर को ब्लेम करो, ना ही अपने आप को करो कि यार मैं तो इतना वो कर ही नहीं सकती, मैं तो ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती या ऐसे नहीं कर सकती। तो ये सारा प्रोसेस में कभी कभी तो बहुत टाइम लग जाता है और कभी कभी बहुत कम टाइम लगता है, ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करेगा है ना, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि क्या हो सकता है। अगर तो सब कुछ ठीक रहा तो इसमें पहले सेकंड डे से आपको इंजेक्शन लगेंगे, 10-15 दिन इंजेक्शन लग के उसके बाद आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके आपको सीधा ही आपकी ब्लड, आपका ब्लड टेस्ट किएगा। अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको कितना टाइम लगा, 2 से 2.5 महीने लगे, लेकिन अगर मुश्किल हो गई तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आप इतने टाइम में IVF करा के और आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो इस चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए, आप इतना बड़ा प्रोसेस करवाने जा रहे हैं, आप हर चीज़ को देख के, अपने काम को देख के, अपनी बॉडी को देख के, अपने घर में देख के, माहौल देख के कि आप कितने दिन घर से बाहर रह सकते हो या कितने दिन आ जा सकते हो, आपके हस्बैंड कितनी देर छुट्टी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कई बार हस्बैंड को भी जाना पड़ता है ना। अगर आपके घर में कोई और भी है जो आपके साथ जा सकता है फिर तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि अपना हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, मैंने आपको पूरा क्लियर पिक्चर दिखा दी है। तो अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां वीडियो देखती हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो क्या जाएगा आपका, प्लीज़ मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो के साथ, प्लीज़ कॉमेंट करना कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।